कहाँ चोरी? अरे चोरी कहाँ? ये देखो नूरी अब मत्था टेक रही है, मत्था टेक रही है गाइस, ये देखो। अरे वाह, तो गाइस व्हाट्सएप क्या चाल है, स्वागत है और नए ब्लॉग में। और आज आ गए पाजी के यहाँ पे, देखो प्रधान भोग रहा है। प्रधान दोनों आपस में लड़ते रहते गाइस, इनका जर्मन शेफर्ड और जो रॉटवाइलर है प्रधान, वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अभी बाकी पाजी के यहाँ पे आए हैं, चलते हैं। पापा अंदर चले गए, मैं भी चलता हूँ फटाफट। गाइस ये देखो कुश्ती हो रही है, छोटे समरथ और समरथ के भाई की कुश्ती हो रही है, आपस में लगे हुए ये दोनों। गाइस समरथ जीत चुका है, समरथ ने बहुत देर तक पटकी दे रखी है, वो उठ नहीं पा रहा बेचारा। ये चिपक गए गाइस दोनों आपस में, भाई बच गए लस्सी। अरे कहना क्या चाहते हो, गिर जाती अभी, वाह छूट गए, समरथ जीता गाइस समरथ। तो गाइस अभी पाजी के यहाँ पे थे हम लोग, बाहर निकले, बाहर निकलते ही गर्मी इतनी थी कि हालत ही नहीं पड़ी हम लोगों की बाहर जाने की। तो हम लोग गुरुद्वारा साहिब जाना था, जो गुरुद्वारा साहिब के जो घोड़े थे उनके राइडिंग वगैरह करने जाना था, मस्ती करने जाना था। अभी गर्मी इतनी है, सब लोग अब टीवी चला के मस्ती से सोएंगे, कूलर चलेगा सब सो जाएंगे। और 5 बजे जाना है, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी तो गाइस 12:45 है, 5 घंटे आए हैं, 5 बजे या 5:30 बजे निकलेंगे हम लोग। गाइस आज जो ब्लॉग जा रहा था वो सब लोग देख रहे हैं टीवी पे, सब लेटे हुए ब्लॉग देख रहे हैं। भाई ये देखो भालू, देखो कितनी बढ़िया लग रही है, कूलर के आगे बैठी हुई, बिल्कुल शेर जैसे बाल हो रहे हैं इसके। भालू मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो गाइस अभी गुरुदेव ढाबा आए हैं, यहाँ पे ये नया ढाबा खुला है, ये पूरा भी बिल्कुल नया रिसेंट में खुला है। तो अभी यहाँ पे पाजी लेके आए हैं, खाना खा के देखते हैं यहाँ कैसा है, फिर चलते हैं गाइस घोड़ों के यहाँ पे। ये बढ़िया बना हुआ है यार, पूरा गोल में बना हुआ है। तो गाइस अभी खाना वाना खाने आया था, खाना बिल्कुल डन हो गया है, और ये बहुत अच्छा बना था, ये पनीर है इनका यार, मजेदार आया था ये। सब लोगों ने सबसे पहले पनीर खत्म कर दिया, और बाकी गाइस अभी खाना डन हो गया है, खाना खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। किधर चलें, घोड़े की तरफ, बकरी की तरफ? मजा नहीं आ रहा है भाई। ये देखो हम लोग को देख के पूरे इकट्ठे हो गए झुंड में। ये देखो गाइस अभी ना लेके आए हुए ये ट्रैक्टर चलवाने, यहाँ से ट्रैक्टर चलवा के लेके जाएंगे, है भाई जी, फुल मौज। ये जा रहे हैं गाइस ट्रैक्टर निकाल के लेके आएंगे, ये देखो वो टैग निकला हुआ है पीछे से, पीछे देखो टैग निकला हुआ है टैग। ये देखो गाइस ट्रैक्टर ले आए, ये जॉन डियर का, ये रहा ट्रैक्टर गाइस, ये देखो जॉन डियर का ट्रैक्टर ले आए, ये ट्रैक्टर जिस पे चलाएंगे, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है ये। देखो बाबा की टी शर्ट भी मैचिंग भी है ट्रैक्टर की। जॉन डियर क्या लिखा है, V14 V12 तो इंजन होता है, 14 इसका गाइस V14। पापा जी एकदम केयर गाइस, पापा चलाने वाले ट्रैक्टर गाइस, पापा ले गए ट्रैक्टर, मेरे भाई पीछे बैठे हैं, पापा ट्रैक्टर ले गए। तो गाइस पापा तो चला के आ गए, अभी मेरी बारी है, मैं पाजी जाएंगे चलाने। ये देखो ये देखो, अरे यार गाइस पापा ने पेड़ तोड़ दिया। गाइस अब चला रहे हैं पाजी, पाजी चला रहे हैं ट्रैक्टर ये। गाइस अब पाजी उतार रहे हैं खेतों में, उतार दो पाजी उतार दो, पापा इधर बैठे हैं चिपक के बैठे हैं। और ओए ओए वो नीचे उतर गया ट्रैक्टर, ओ भाई भागा भागा, उड़वा दिया मुझे। चलो गाइस अब मैं पकड़ के बैठ जाऊँ। सब सीधा, अरे बाप रे, चलो भाई चलो 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 चलो। A few moments later भाई इधर आ गए गुरुद्वारे साहिब पे,
चलो भाई आ गए। ओ घोड़े ही नहीं है, घोड़े नहीं है गाइस, इधर अंदर होंगे। अच्छा कूलर चल रहा है, अंदर है घोड़े। गाइस ये देखो राजा को निकालने का टाइम हो गया, सब लोग सो के उठ गए और थोड़ी थोड़ी धूप कम हो गई है, इतनी नहीं है अब। शाम का टाइम में धूप कम हो गई है, 6 बज रहे हैं। राजा राजा गाइस ये देखो बच्चा कितना बड़ा हो गया, पिछली बार आए थे तो आधा था बच्चा इसके नहीं मदर के। ये मेल है गाइस और ये फीमेल है, और ये अभी कुछ महीनों का ही होगा, साल भर का नहीं हुआ है ये। बादल बादल सुनता है गाइस नाम अपना बादल। गाइस राजा बाहर निकल आया है, चलो भाई इसे बाहर लेके चल रहे हैं राजा को। बाजी आ जाओ, कितनी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? बाजी आ जाओ यार, कितनी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? चलो गाइस राजा को बाहर लेके चले गए पापा। अब आज राजा की राइड मैं भी करूंगा, उस दिन नहीं कर पाया था, आज शायद अच्छे से ना कर पाऊंगा। ये देखो गाइस मेरे अब चोट कैसी हो गई, स्किन आ गई और अभी तक थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है, आपको शायद से दिख रहा होगा ये सब। ये देखो राजा, बाकी राजा राजा ये सर कलर बड़ा प्यारा लगता है मुझे। गाइस इसको लेके जा रहे हैं, अब इसके ऊपर राइड करेंगे। ये देखो एक कौन जा रहा है, हाथी घोड़े को लेके जा रहा है, गजब बेइज्जती है। राजा राजा भाई पापा चढ़ रहे हैं, ये चढ़ो चढ़ो, अरे चढ़ जाओ यार, ये जंप, ये बढ़िया। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ना करो, मना करते सरदार जी, मना कर रहे हैं, इनके अंदर बड़ी चूल है। भाई पापा तो मजे से टहला रहे हैं उसे, वो देखो मजे से राइड कर रहे हैं उसकी, आराम आराम से, आराम आराम से। और घोड़ा भी गाइस बहुत कोऑपरेट करके चल रहा है, वो देखो गाइस भागने चालू हुआ, भागने चालू हुआ धीरे 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 धीरे। ये पापा जी के चश्मे गिरने वाले, अब ये भागने को आ गया तो आ गए फटाफट। ओ भाई मानस चढ़ते हुए बहुत डरते हुए, ये देखो आखिर फाइनली ये चढ़ चुके हैं। ये लगाएंगे अब ये घोड़े को चलाने, अब घोड़ा चलाने की मानस बिल्कुल चीटी के भाव। मानस पजा पजा पाए, डोरी क्या, डोरी डोरी क्या, अरे गिर गया, अरे डोरी क्या हो गया, क्या था एक अच्छे मैच में थोड़े गिरवा दिया, भाई मैं गिर गया घोड़े से, बहुत तेज भगवा दिया था इन्होंने, इन्होंने भगवाया इन्होंने। ये खड़े हैं ये देखो, और हाथ पे चोट लगी थी उसी के बल गिर गया, लेकिन मजे बड़े हैं, पहली बार इतनी तेज भागा। ये देखो कपड़े तुम्हारे, कपड़े देखो तुम्हारे कपड़े, क्या ये देखो क्या हाल हो गया तुम्हारा, चोट तो लगी कहीं? नहीं चोट नहीं लगी, ऐसे कूद के ना साइड में ऐसे कूद के गिर गया कि उसकी, क्योंकि गद्दी टेढ़ी हो गई। बेटे शुक्र करो कि घोड़े का जो पैर पड़ सकता था तुम्हारे पर, तो मैं तभी तो अरे लटक क्या गया वो घोड़ा, देख रहे हो घोड़े के बराबर चवनी भी नहीं हो तुम, बच गए। अब पाजी, अब पाजी करे ना जी, नहीं इसको बिठाओ, अब इसको बिठा के मैं दौड़ाऊंगा पीछे से। टेंशन नहीं तो बह जा ना तू, अरे तुम बह जा यार, गायदब ये करेंगे। डोरी खींच, तुम डोरी क्यों नहीं खींची तूने, हैं डोरी खींचने थी, जोर से आवाज लगाई मैं डोरी यार, उसका पता है उसका मुंह खींच रहा था, मैंने थोड़ी सी खींची फिर उसका मुंह खींच रहा। हाँ तो डोरी ऐसे खींच लेते हैं पूरी, घोड़े को कभी दर्द नहीं होता, बाल जितनी टाइट पकड़ेगा ना गर्दन के उतना बुरा नहीं गिरेगा, गर्दन के पैर और ये पैर ऐसे। अरे हाँ रुका नहीं गाइस, पिछली बार ये भी यहीं पे आके रुके थे, आराम से चलाया, हम इंजॉय करने आए हैं ना कि गिरने के लिए आया यार, मुझे लेकिन मजे आया कुछ कहो। मैं पहली बार इतनी तेज भागा, बहुत तेज स्पीड थी, मुझे मजे आ रहे थे, मैं तो गाइस साइड में कूद गया, जैसे मैं बैठा हुआ था ना पकड़ के, मैं ऐसे ऐसे होता रहा तो मैंने पैर निकाले अंदर से, जो ये जगह होती है ये इस जगह से मैंने पैर निकाले और मैं बिल्कुल साइड में जाके कूद गया। ये देखो क्या हालत है, सब्सक्राइबर हो आप, देखते हो आप सारे, आज घोड़े से गिर गया मैं, मानस घोड़े से गिर गया, क्या टाइटल यही रहेगा, मानस घोड़े से गिर गया। पिछली बार घोड़े ने लात मारी थी, इस बार गिरा है। गाइस यहीं पे रहते हैं, सब्सक्राइबर रहेंगे राजा। अरे अरे गाइस मेरा पहली बार हॉर्स राइडिंग एक्सपीरियंस था और काफी तगड़ा रहा, मुझे मजे बहुत है, मतलब हॉर्स राइडिंग मैंने ऐसी नहीं करी थी ओपन में, मतलब भागते हुए की नैनीताल वगैरह में जैसे वो पकड़ पकड़ के करवाते, बस वही करी थी, बाकी बिल्कुल वाइल्ड मैंने नहीं करी थी, आज पूरी वाइल्ड हो गई। ये देखो बच्चा चढ़ा है, ये देखो गाइस ये भाई चढ़ा है छोटा, ये देखो भाई अब ये भाई घुमाने लेके जा रहे हैं, ऐसे कितने मजे से कर रहा है, मेरी बारी में इन सबने छेड़ दिया था भाई, बल्कि इस हाथ से गिरा मैं, हालत देखो हाथ की पहले कैसी थी अब कैसी थी, इस हाथ से गिर गया ये देखो, ये नौटंकी कर रहे हैं, अब लंगड़े बन गए, इन्हें जरूर गिरवाऊंगा। चलो भागो भाई, भागने चालू हुआ, पुछ पुछ नहीं भगा।
गाइस इनको गिरवाना है यार। ओए 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 करो यार मनविंदर भाई यार ऐसे करोगे अब ओ भागना चालू हुआ धीरे धीरे गाइस थोड़ा चलना चालू हुआ। इनको नहीं गिराएगा यार ये हालत खराब हो गई पाजी की डर डर के। ओए पागल हो रहा है अभी पाजी पागल हो रहा है ये अब गिराएगा पाजी ये किधर ला रहे हो गाइस मैं पता है गिरा कैसे क्यों एक्चुअली मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे थी पक्की मिट्टी है देखो मैंने उधर देखा इधर जब मैं आया था इधर गिरा था मैं इधर मैंने आगे देख लिया था पक्की मिट्टी है मैं वहीं पे कूद गया। इस मिट्टी में देखो गाइस चोटी नहीं लगी ये उबड़ खाबड़ है और नरम मिट्टी है ये पक्की मिट्टी है देखो ये देखो खेत जुता हुआ है पक्की मिट्टी लगती है। मैं तभी उधर गिरते भाई तो कंधा टूट जाता तुम्हारा आराम से बहुत तेज था मैं वैसे भी स्पीड बहुत तेज थी तुम्हारी। गाइस अभी घोड़ा थक गया है दार जी चढ़ नहीं रहे हैं घोड़े के थकने की वजह से क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है और मतलब घोड़े में गर्मी बहुत हो जाती है तो अभी इसे अंदर लेके जा रहे हैं कूलर वूलर में रख देंगे इसे आराम से। वो गया अंदर राजा उधर नहीं उधर उधर हाँ उधर उधर है गाइस उसका स्टेबल। गाइस ये निकला है बच्चा इसका नाम क्या अंकल जी बादल है ना नूरी नाम है इसका अच्छा फीमेल है अरे गाइस ये फीमेल है मैं भूल गया ये फीमेल है गाइस ये नूरी नाम है इसका और दिवाइट है गाइस अंग्रेजन बेटा मुझे गलत गिराया क्यों गलत गिराया मुझे हंस रहे हो चुपचाप हैं हंस रहे हो ये देखो गाइस हंस रहे हैं गाइस ये देखो नूरी अब मत्था टेक रही है गाइस ये देखो अरे वाह बहुत प्यारा गाइस मजा आ गया यार देख के ये सब चीजें गाइस बहुत वेल ट्रेन करने पे आती हैं घोड़ों को ये देखो कितने प्यार से कर रही है मत्था टेक रही है भाई ये देखो अब नाचेगी गाइस ये नूरी नाचेगी अब नूरी नाचने का टाइम आ गया नूरी के ये खोल रहे हैं गाइस बाहर आ गई ये थैया ये कितने साल की हुई हुई जी 2 साल की है 2 साल और वो बच्चा कितने महीने का है 6-7 वो लात ना मार दे अरे इसी ने लात मारी थी पिछली बार। भाई ये देखो गुरुद्वारे साहब के बिल्कुल सामने फेस करके नाच रही है ये अभी मत्था भी टेकेगी सामने ही सामने ये देखो थैया बोलते हैं अंकली तब नाचती है। गाइस चल रहे सरदार जी को बाय कर दिए अभी यहाँ से चलते हैं मैं भी थोड़ा आराम करूँ गिर विर गया उस समय पता नहीं लगा थोड़ा कमर वमर में दर्द हो रहा है अभी बाकी बैठते हैं यहाँ पे चलते हैं गाइस। भालू आ गई भालू गाइस पाजी कह रहे मैं भालू को दे दूंगा है हाँ जी दे रहे हो अच्छी फैमिली हो अच्छा इसको एसी में रख सके यहाँ पे गर्मी में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ गाइस पाजी ने मुझे एक चीज बताई थी कि यहाँ पे ना गर्मी होती है तो इधर कूलर भी लगा रखा है पाजी ने तब भी इसके लिए इस ब्रीड के लिए बहुत गर्मी है तो पाजी ने बोला जिसके घर में एसी वेसी हो जो अच्छे से पाल सके भालू को। और सबसे बड़ी बात है ये डायरेक्ट इम्पोर्ट चाइना से तो इसलिए थोड़ा सर्वाइव नहीं कर पा रहे यहाँ। हाँ चाइना का और यहाँ का वेदर काफी चाइना मतलब तिब्बत साइड का है ये तिब्बत यानी कि इसके मतलब डायरेक्ट इम्पोर्ट है तो यहाँ पे थोड़ा ठंडक चाहिए एसी चाहिए और पहाड़ एरिया थोड़ा हो तो बहुत बेटर है। हाँ लेने वाला हो गाइस पहाड़ एरिया हो तो वो भी ले सकता है पहाड़ों के लिए ब्रीड सही है। एक ये आई ये भी ब्रीड गाइस पहाड़ों की है गाइस इसके भी बच्चे होने वाले हैं पाजी ने अभी अभी बताया मुझे है पाजी। हाँ जी कितने दिन में हो जाएंगे इसके 20 दिन में हो जाएंगे 20 डेज में हो जाएंगे गाइस इसके भी कह रहे हैं 20 दिन में बच्चे हो जाएंगे। हाँ गाइस इसका पेट वेट फूला हुआ है ये देखो पेट वेट फूला हुआ है इसका। चलो भाजी सत श्री अकाल चंगा चलते हैं जी चलिए टेक केयर चलो भाई गुड बाय ध्यान रखना मुंह कैसे छुपा लिया यार गिराया आज मुझे याद रखूंगा मैं जिंदगी भर। वो समर भैया का लड़का गाइस ये देखो पापा पापा कह रहा है ये वीडियो भी ब्लॉग में आएगी ये कईयों को तो अफसोस करना पड़ेगा इस बात। हाँ गाइस बहुत लड़कियां हैं जो समर भैया गाइस गाइस समर भैया को बहुत लड़कियों के कॉल्स आते हैं अब सारी कॉल्स बंद हो जाएंगी आना अब मुझे करो सब। अरे भाई ये भी आने को कर रहा है बगीरा अंदर आ रहा है ये ओए बगीरा।